वेलकम टू क्विक एंड डिलिशियस क्यूज़ीन। और आज हम बनाने जा रहे हैं चना वाले चावल। ये बहुत ही क्विक और इजी डिश है। इसके लिए मैं इंग्रीडियंट्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइस लिए हैं। ये वाला ग्लास मैंने यूज़ किया। मैंने तकरीबन 3 ग्लास ऑफ राइस लिए हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी मैंशन किया था कि राइस को अगर आप 30 मिनट्स पहले सोक कर दें तो राइस बहुत अच्छे बड़े फ्लफ़ी बनते हैं और बहुत मतलब टेंडर भी हो जाते हैं। इसके साथ ये मैंने यहाँ पे चिकपीस लिए हैं। मैंने ये टिन पैक वाले लिए हैं। आप चाहें तो घर में भी इनको बॉईल कर सकते हैं। समटाइम्स मैं वो यूज़ करती हूँ, समटाइम्स मैं टिन पैक वाला यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक मीडियम साइज़ ऑनियन है जिसको मैंने बारीक साइज़ में कट किया है। एक मीडियम साइज़ टोमेटो एंड 2 टेबल स्पून योगर्ट, 1/2 कप ऑयल एंड स्पाइसेस में यहाँ पर मेरे पास ये है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक या हल्दी, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और ये मेरे पास तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला है। साबुत गरम मसाला में यहाँ पे मेरे पास ये बे लीफ है, 1 सिनेमन स्टिक, 1 ब्लैक कार्डमन, 3 ग्रीन कार्डमन्स, 4 क्लोव्स एंड 8 to 10 ब्लैक पेपर। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पॉट में ऑयल डालेंगे और के साथ ही मैं इसके अंदर ऑनियंस डाल दूँगी। ऑनियंस को लाइट ब्राउन करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी इसका नेक्स्ट स्टेप। मैं प्याज जो है वो तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल के सारे स्पाइसेस 1 by 1 डाल के थोड़ा सा पानी अपने डालना है, तकरीबन 1/2 ग्लास पानी। स्पाइसेस मैंने आपको सारे दिखाए थे, उनको मैं योगर्ट में डाल के फिर इसके अंदर डालूंगी। स्पाइसेस को मैंने इस तरह योगर्ट के अंदर डाल दिया। मैं इसको थोड़ा सा यूँ मिक्स करूँगी। सारे साबुत गरम मसाले और पिसा हुआ मसाले सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको ज़रा सा यूँ योगर्ट को थोड़ा सा मिलाना है ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह हैं वो टूट जाएँ। और फिर इसको हमने ऐसे ही राइस में डाल देना है। के साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो मैं इसलिए नहीं डालती, उससे भी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। तो अब इसके अंदर मैं ये टमाटर डाल दूँगी। मैं फ्लेम को थोड़ा हाई कर दूँगी ताकि टमाटर इसके अंदर गल जाएँ। उसको थोड़ी देर मैं कवर करके पकाऊँगी जब तक कि टमाटर थोड़े से गल जाते हैं और इसका मसालों का अरोमा इसके अंदर आ जाता है। टमाटर तकरीबन गल चुके हैं। मैं इसके अंदर ये चने ऐड कर रही हूँ और चनों को भी हम तकरीबन 2 मिनट कवर करके पकाएंगे। इससे होता है कि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो चनों में भी चला जाता है। और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करके राइस ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर 4 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और फिर मैं इसके अंदर जो है वो राइस डाल दूँगी। राइस तकरीबन 7 to 10 मिनट्स में जो है वो 3/4 पक जाते हैं। इनको पूरा नहीं पकाना होता क्योंकि इनको दम भी लगना होता है 10 से 15 मिनट। तो अभी जो है वो इनको साथ साथ चेक करते रहना। हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर ही पकाते हैं। तकरीबन 7 से 10 मिनट में राइस का जो है वो पानी ड्राई हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए और इसमें जो है तकरीबन एक कनी पे चावल रहने चाहिए। और फिर हम इसको जो है वो दम पे रखना होता है। एक दफ़ा ऐसे चम्मच हिला के फिर इसको कवर कर देना है और फिर साथ साथ चेक कर देना है। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसमें हल्का सा मॉइस्चर है जो कि हम इसको दम लगाने के लिए हमें चाहिए होता है। अब मैं इसको कवर करके इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रखूँगी और फिर हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। चना वाले चावल रेडी हैं। इनको चिकपीस राइस भी बोलते हैं। आई होप यू लाइक देम। इनको आप चिकन कोरमा, चिकन कढ़ाई, पालक गोश्त, इस तरह की मतलब करीज के साथ सर्व कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ लीव इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।